नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। अभी मैं मौजूद हूं उत्क्रमिक मध्य विद्यालय असरफगंज के पास। ये देखिए, आप देख सकते हैं निर्मित कब हुआ है, आप देख सकते हैं 18/10/1998 को संपन्न हुआ ये विद्यालय। कक्षा 1 से लेके 8 तक के मतलब यहाँ पे छात्र और छात्राएं पढ़ती है। प्यार राशन का भी दुकान देख सकते हैं, राशन का दुकान कहे हम इसको तो वो भी कम होगा। ताज्जुब की बात देखिए कि यहाँ लाइट नहीं है, टूटा फूटा एक स्कूल है और वो भी सिर्फ 2 कमरे का। पूरा जर्जर स्थिति में ये पूरा स्कूल है। काफी अंदर के कमरे की बात करें तो वो तो लग रहा है कि ऊपर से कब प्लास्टर नीचे बच्चे के ऊपर गिर जाएगा। छात्रों का भविष्य देखिए 4-5 साल का होगा और ये विद्यालय की स्थिति बता रहे भवन अभी देखिए कि ये हम भी चल रहे हैं। दरवाजा देख लीजिए, लग रहा है दरवाजा वगैरह तो लग रहा है पहले हमें लगता है भूत का जो बंगला फिल्म में हम लोग देखते थे वो भूत खन्ना वाला एक बंगला है। मेन दरवाजा है और देखिए आधा से ज्यादा पार्ट नीचे का जो है वो टूट चुका है और ये जो है ये भी बहुत जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि अगर इधर से देखें तो देखिए ये भी हिल रहा है। और मैं बच्चों की समस्या आपने देख ली और मैं दिखाऊंगी बात बेटा। देखिए कुंडी बोलूंगी, कैमरामैन फोकस करें, ये है दरवाजा। हंसने वाली बात है पर ये बहुत गंभीर बात है और ये बालिका का शौचालय है। आइए दिखाइए, यहाँ लिखा हुआ बालिका, यहाँ पर लिख दिया गया है सिर्फ काले अक्षर से बालिका। और देखिए ये पर्दा, वाओ, इस पर्दे में बालिका जाएगी तो बालक कैसे नहीं घुस जाएंगे। हंसी का पात्र है कि बिहार में ऐसा एक स्कूल है जहाँ बाथरूम भी खुला दरबार है। आपको सरकार ने बीओ बना के प्रखंड में अगर रखा है, किस लिए रखा है? एसी में सोने के लिए, सूतने के लिए, सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। चलिए हम उस बिल्डिंग पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या व्यवस्थाएं। जो माध्यमिक विद्यालय हमने आपको दिखाया असरफगंज का माध्यमिक विद्यालय, और उसके जगह पर इस विद्यालय को बनाया गया। ये विद्यालय जरूर है लेकिन यहाँ बच्चे नहीं है, ये विद्यालय जरूर है लेकिन यहाँ पर अब तक बच्चे पढ़ने आ ही नहीं पाए हैं। आइए, कैसे हैं? पढ़ने आए हैं भाई, विद्यालय में देखिए भैंसी पढ़ रही है, पढ़ो। देखिए ये डर भी गई। स्लोगन ये है कि बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी? स्कूल बना है बेटियों के लिए, गोईठा थोपने के लिए बना है। मैं भी बेटी हूँ लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं गोईठा थोप के दिखा सकती हूँ। सड़क है और सड़क के रास्ते, अब देखिए मेरी गाड़ी जब लगी हुई है तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की गाड़ी भी यहाँ आ जाएगी और वो इस गोईठा छाप विद्यालय को जरूर देखेंगे। कौन इंजीनियर था वो जिसको हम लोग भी इनाम देते, उस इंजीनियर का पता ही नहीं चला। वो इंजीनियर इतना दिमाग का था कि वो 2 तल्ला तो बना दिया लेकिन सीढ़ी देना भूल गया। इधर से गोईठा डाला जाता है और इधर से विद्या फटाफट फट 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 निकल जाता है। देखिए जो माध्यमिक विद्यालय हमने आपको दिखाया असरफगंज का माध्यमिक विद्यालय, और उसके जगह पर इस विद्यालय को बनाया गया ताकि बच्चों को यहाँ शिफ्ट किया जा सके। जो परेशानी उन्हें वहाँ हो रही है, 2 कमरे का विद्यालय है वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में, ऐसे में इस विद्यालय को बनाया गया ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकें। लेकिन आप इसके गेट को ही देख सकते हैं, सामने में पुआल रखा है और नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, पूरा गड्ढा है। और अगर इधर हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे जाने के लिए रास्ता तो कहीं भी नहीं है, लेकिन हाँ आम लोगों के द्वारा जो रास्ता बना दिया गया है नीचे स्लाइड जाते हुए, अगर इस तरफ से जाएं तो कहीं पर भी गेट को लेकर के आगे तक बाउंड्री तक नहीं है। गेट को रोकने के लिए पुआल लगा दिए गए हैं। और थोड़ा और आगे हम आपको बढ़कर दिखाते हैं कि स्कूल में क्या कुछ है। ये विद्यालय ज़रूर है लेकिन यहाँ बच्चे नहीं हैं, ये विद्यालय ज़रूर है लेकिन यहाँ पर अब तक बच्चे पढ़ने आ ही नहीं पाए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ तक लाया ही नहीं गया है। अब यहाँ देखिए ये विद्यालय है लेकिन यहाँ पर गोईठा सुखाया जा रहा है और ये यहाँ पर सूख रहे हैं। इधर देखिए ये रास्ता है लेकिन ताला दरवाज़ा पर लगा हुआ है, दरवाज़ा बंद है, स्कूल बंद पड़ा है और बच्चे मजबूर हैं उसी जर्जर स्थिति वाले विद्यालय में पढ़ने के लिए। स्लोगन ये है कि बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, कहाँ पढ़ेगी? सवाल तो बीईओ साहब और यहाँ की जनता से
और सरकार से जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे तो पूछा जाएगा बिटिया कहाँ पढ़ेगी। नहीं, शिक्षा मंत्री से मैं इतना कहना चाहूंगी धीरज जी कि जो ये स्लोगन है काश ये जमीनी हकीकत होती, जमीनी हकीकत होगी कि बिटिया मेरी अभी पढ़ेगी, शादी की सूली नहीं चलेगी। अरे भाई पढ़ने दीजिएगा तब ना पढ़ेगी। शिक्षा मंत्री जी एक बार आइए, गाय भैंस पढ़ाई कर रहा है, यहाँ तो पशु पढ़ रहे हैं, बिटिया कहाँ पढ़ रही है? बिटिया तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बिटिया मेरी क्या करेगी, गोइठा ठोकेगी? आइए बिटिया मेरी गोइठा ठोको, यहाँ पे आओ बिटिया, आओ बेटा गोइठा ठोको तुम आके। ठीक है, ये जो स्कूल बना, दुर्भाग्य हमारे शिक्षा व्यवस्था का, दुर्भाग्य यहाँ के पदाधिकारियों का, जो भ्रष्ट तंत्र यहाँ का चल रहा है, दुर्भाग्य। देखिए धीरज जी मैं बताना चाहूंगी, ये जो स्कूल बना है बेटियों के लिए गोइठा थोपने के लिए बना है। मैं भी बेटी हूँ लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं गोइठा थोप के दिखा सकती हूँ। अभी सूख गया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू यादव, उन्होंने प्रिय, हाँ उन्होंने प्रिय बहुत अच्छा काम किया था, चरवाह विद्यालय उन्होंने इसलिए खोला था कि जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो किसी समस्या में हैं और वो नहीं पढ़ पाते, तो चरवाह विद्यालय से उनकी वो अपनी पढ़ाई करें, उनकी मवेशी भी वहाँ पे फील्ड में चढ़े और वो पढ़ाई भी करें। लेकिन आज के आधुनिक युग में मैं कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था जो चरवाहा विद्यालय का स्थापना की थी, और उनके नेतृत्व में ही बच्चे जो गाय भी लेके आके पढ़ सकते थे। हम ये भी कहना चाहेंगे ये गोइठा छाप विद्यालय है, अगर बीओ साहब, डीओ साहब और जो हमारे शिक्षा मंत्री है वो देख रहे हैं, तो ये जो सिर्फ कुछ ज़्यादा दूर आने की जरूरत नहीं है, पटना से 15-20 किलोमीटर के रास्ते, थोड़ी ही दूरी पे। हाँ, आप आइए और ये गोइठा छाप की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पे, मुश्किल से फॉर्चुनर वगैरह में आएंगे तो 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ, क्योंकि नेता लोग लग्जरियस गाड़ी से चलते हैं। और नीतीश कुमार ने काम इतना अच्छा कर दिया कि सड़क बहुत अच्छा बना हुआ सड़क है, और सड़क के रास्ते, अब देखिए मेरी गाड़ी जब लगी हुई है तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री की गाड़ी भी यहाँ आ जाएगी, और वो इस गोइठा छाप विद्यालय को जरूर देखेंगे, और शायद इस अवस्था में अगर उनको देख के थोड़ा सा भी आंखों में आंसू आता है तो इसका निर्माण फिर से कराए। मायूस है, उनका हाथ बंधा हुआ है। अरे जहाँ एक क्लास में चार क्लास बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो उसका बात ही अलग है। आइए हम दिखाते, आइए पीछे की हकीकत दिखाते हैं क्या है, कुछ और सुनाएंगे। उन्हीं की जवानी, जो लोग है, जो टीचर है, जो ग्रसित है इस सब कामों से, तंग आ चुके हैं अपने लाइफ से, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए पूरा दीवार गोइठा गोइठा हो गया, विद्यालय की दीवार को सरकारी संपत्ति इसको बोला जाए, बोला ना, संकार सरकारी संपत्ति ही है, इसको गोइठा ठोक के खराब कर दिया गया है। और देखिए बात कराते हैं, आइए आइए कैसे हैं भैंस, पढ़ने आए हैं भैंस विद्यालय में, देखिए भैंसी पढ़ रही है, पढ़ो, देखिए ये डर भी गई, पढ़ो क्योंकि उसको पता है। ठीक है, देखिए आइए इधर आ जाइए, इधर दादी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप ही का जमीन है? हाँ, तो आप जमीन दे दी, उसके बाद फिर क्या हो गया? हो गए वो हमरा सब बुढ़ाव से चुपे लिखा ले के, बुढ़ाव के तीन बेटा है, लिखा लिया मैडम, लिखा के जहर खा के मर गया, हमने पर सब पर केस लाद दिया, सब हमने केस कर रही थे, हमू केस कर ली, फिर अच्छा हम केस कर लिए, तो वही से हम गोबर गोइठा ठोक देली। तो सरकारी विद्यालय छे, हम ना रोका है सर, हाँ, हाँ। पढ़ावे लगी मास्टर ताला लगा ले, हम थोड़ी ताला लगा ले हैं। अच्छा, आ हमने बाले बच्चे चाची, चाची चाची, स्कूल तो सरकारी है ना? अब सरकारी हम ना, हमारा जमीन है, हमारा जमीन आपका होगा, जमीन आपका होगा, कहां बजे सुनिए, तो हमरा जहर देख मार दया का जमीन हल बता, जमीन आपका है, जमीनो दे देली, हम जेलो काट लीबा, जेल काट लिए, हां हो गया, केस कर देला, ओकर मरल अपन है, ओकर बाप भाई सब हमने चारों पर केस कर दिया। स्थिति यहाँ की बनी हुई है, इसको अतिक्रमण ही बोला जाए अपने तरीके से, चाहे ये शौचालय देख लीजिए आप, चाहे ये शौचालय आप देख लीजिए, शौचालय भी उसी तरीके से व्यवस्था है, गोइठा का पूरा घर बना हुआ है, इसको लोग पटना में उपली भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, खिड़की विद्यालय का लगभग तोड़ दिया गया है, ऊपर वाला हिस्सा का देख सकते हैं, तोड़ के कोई ले गया, जो भी ले गए हो पता नहीं, जो स्थिति अभी बन रही है यहाँ पे, विद्यालय में सिर्फ भैंस पढ़ाई करती है, छात्र तो दूर दूर तक नहीं दिखते हैं, भैंस के आगे आप माइक लेके बजाते रहिए, बीन बजाते रहिए। अब चलते हैं हम ग्रामीणों से बात करते, नहीं हम टीचर से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने ही ताला लगाया है, और हमारे जो हेडमास्टर्स जो हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो ताला इस पर लगाया गया है
सर आपने ये ताला लगाया है? शुरू में ही पूर्व में ही हम बताए हैं कि ताला हम लगाए हैं। अच्छा, और बच्चे बच्चे होते हैं, फसल इधर लगता है इधर लगता है, बच्चे कुछ नुकसान करेंगे ही। अच्छा, नुकसान ना हो इसलिए ताला लगा है। जैसे यहाँ ताला पूर्व से ही है जो मेरे अंडर में है, हम बोला भी है कि ये जो यहाँ पर है जो मेरा अथी भी है बेंच भी है, लेकिन ये जो बच्चे जब यहाँ आएंगे तो यहाँ फसल रहता है उधर निवारी रहता है उन्हें कुछ रहता है कुछ यदि है जो होती है तो दिक्कत है ना, चोट लग सकती बोलती है। कहीं ना कहीं आपने सिर्फ एक अपना ताला अपने अपने कब्जे में किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि माहौल खराब हो जाएगी। माहौल खराब है, एक कमरा है ऊपर, फिर है जो नहीं है लैट्रिन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इतनी मतलब कि इतना जर्जर व्यवस्था है कि यहाँ पैसे खर्च हुए हैं, मतलब पैसा तो भाई पैसा तो लगा दिया है कोई डाउट नहीं है, बार भर भर के पैसा लगाया होगा एकदम कस कस के। यहाँ बैठेंगे वहाँ मॉनिटरिंग वहाँ से, ईटा नहीं है, ईटा देखिए अभी से निकल रहा है, अभी से ईटा उटा भी निकलने लगा है या कोई निकाल देता होगा। इसमें सिर्फ पैसे का दुरुपयोग हुआ है इसमें, और सीढ़ी नहीं है, सुविधाएं कुछ भी नहीं। एक बात बताइए, बाथरूम नहीं है, सीढ़ी नहीं है, दो तल्ला कैसे बन गया? कौन इंजीनियर था वो जिसको हम लोग भी इनाम देते, उस इंजीनियर का पता ही नहीं चला। वो इंजीनियर इतना दिमाग का था कि वो दो तल्ला तो बना दिया लेकिन सीढ़ी देना भूल गया। हाँ, और सीढ़ी दिया और बाथरूम भी नहीं है। कैमरा मैन से बताऊंगी कि हमारे हम लोग तो नहीं चढ़ सकते लेकिन ऐसे दिखा दे बगैर सीढ़ी का मकान। हम नीचे से ही आपको ऊपर का मकान भी दिखा रहे हैं क्योंकि सीढ़ी नहीं है तो ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन नीचे से हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर स्कूल है। और ये हम कहे तो ये मशीन बच्चों के लिए ही हो सकता है, जैसे लड़कियाँ गोईठा थोपे और लड़का जो है वो मशीन में क्या चलता है इसको, इसमें इस थ्रेसर में इधर से गोईठा डाला जाता है और इधर से विद्या फटाफट फट निकल जाता है। ये गोईठा वाले विद्यालय में थ्रेसर भी चलता है, थ्रेसरिंग की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर गड्ढा भी है, काफी बड़ा गड्ढा यहाँ पर है, हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये स्कूल की तरफ से किया गया है? नहीं, रोड बना था, जो रोड बना ना तो रोड का चार्ट से इसको है जो ले करके मट्टी उस पर फेंका गया है। ये भी एक मेरा प्लस था है जो कि है जो बच्चे पानी भरल था, बच्चे यदि जाएंगे तो इसमें है जो रिक्स है गिर जाएंगे तो है जो सारी जवाबदेही हम पर आएगी, तो यहाँ तक उस स्कूल के बच्चा को भी हम इधर नहीं आने देते थे। आप ये बताइए, ग्रामीण के भी बच्चे पढ़ते हैं तो आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते? हम नहीं पढ़ते, पढ़ के बाहर हो गए। हाँ, बाहर चल गए, मतलब इसी में पढ़ते थे। हाँ, पढ़ते थे। देखिए झूठ मत बोलिए, देखिए इनके बच्चे पढ़ते थे पढ़ के बाहर चले गए। पढ़ाई अच्छी थी पहले? तो पढ़ाई थी अच्छी लेकिन अब तो इन्हें खराब है, कैसे नहीं पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते हैं, काहे नहीं पढ़ते हैं? मास्टर अब आते हैं 9:30 में टाइम है, आते हैं 10 बजे 11 बजे, अब देखिए एक पोल एक के बजे छुट्टी दे के चल गया मास्टर अपना अपना घर है। ऐसा क्यों आपने कहा कि भाई हम 9 बजे आ जाते हैं? 9:30 बजे आते हैं, 9:15 में। और पढ़ाई होता है? पढ़ाई करते हैं अपना जो कर क्लास के अनुसार पढ़ाई करते हैं, क्लास के अनुसार पढ़ाई। अब के भी बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में? हमने कल लेखन तो सरकारी में 4 गो लेखन पढ़ ला हुआ यही में इसी स्कूल में, तो सब सुविधाएं दी जाती है, सब लेखन ठीक से पढ़ निकल गए सब लेखन। टीचर आते हैं टाइम पे? हाँ, लेखन तो हमने का सब डबल लेखन हो गए, छोटा बच्चा ना हुआ। अच्छा, तो सब कई साल हो गए सब निकाल गए। आप लोग आपके भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? हाँ, पढ़ा है। तो तरीका से पढ़ाई होता है, सब टाइम पे आते हैं टीचर? टाइम से आवा थी ना, था कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत ना है। आपके भी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, बैठते हैं। तो पढ़ाई होती है यहाँ पे? होती है। कोई दिक्कत भी होती है? कोई दिक्कत नहीं है। टीचर टाइम पे आते हैं? टाइम पे आवे करते हैं। कब आते हैं? वही 9:15 9:30 और का। कब जाते हैं? जाते हैं यही करीब करीब 2 बजे, कितना अंदाज में छुट्टी मिलता है 3 बजे का छुट्टी होता है तब जाते हैं। छुट्टी होता है, बच्चा आता है तो जाते हैं। बाकी के जितने लोगों से बात किया हमने, सबका यही कहना है कि पढ़ाई बहुत तरीके से करवाई जा रही है और बस ये स्कूल जो है इसे लेकर के एक परेशानी बनी हुई है। जब जब तक इस पर पूरा मामला नहीं निपट जाता, बच्चों को वहाँ से यहाँ नहीं शिफ्ट किया जा सकता, तब तक जो है बच्चों को दिक्कतें होंगी। हम यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इसे लेकर के जो भी कार्रवाई होनी है वो ख़त्म हो और बच्चों को यहाँ पर बहुत जल्द शिफ्ट किया जाए क्योंकि वो विद्यालय काफ़ी जर्जर स्थिति में है। ऐसे बच्चों को नुकसान हो सकता है, बच्चों को भी वो नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर उस मकान में से एक भी परत उन बच्चों के ऊपर गिरता है तो वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
इसलिए हम बस यही मांग करेंगे कि इसमें सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, इस पर कार्रवाई हो, जितने भी चीज़ें इसमें दिलवानी जानी हैं उन पर काम हो और जल्द से जल्द इसका जो पूरा मामला है वो निपटाया जाए। देशवा न्यूज़ के लिए ज्योति सिन्हा की रिपोर्ट। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।